दोस्तों एक ऐसी डॉग ब्रीड जो कि दिखने में काफी पावरफुल काफी मस्कुलर होते हैं और हेड साइज तो इतना बड़ा होता है, जब आप लोग रियल में देखोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि यार कितना बड़ा फेस है। वैसे इस ब्रीड में जब आप लोगों को क्वालिटी भी अल्टीमेट मिले ना तो मजा ही अलग है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही लेकर आया हूं। जगह इसमें बात करने जा रहा हूं अमेरिकन बुली के बारे में, जिसमें आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं और एक चीज तो काफी रेयर है जो कि इन पपीज में आप लोगों को मिल जाएगी और वो है ओड आइज। भाई अमेरिकन बुली और पिटबुल के अंदर लोग ओड आइज ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन उन्हें मिलती ही नहीं है, लेकिन हमारे चैनल पर आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। वैसे इन पपीज की रिसेंटली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी जो कि मैंने 4-5 दिन पहले डाली थी, लेकिन इन ओनर ने ये पपीज परचेज कर लिए थे लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें ये वापस से सेल करने पड़ रहे हैं। तो ये जो दो अमेरिकन बुली पपीज है ना, इनमें से एक मेल है और एक फीमेल है। जो प्योर व्हाइट है वो है फीमेल और जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना वो है मेल। तो मेल है ओड आइज में और जो फीमेल है वो नॉर्मल ब्लैक आइज में है। तो गाइस अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये चीज आप लोगों को माइंड में रखनी है। पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि पपीज जो है ये 50 डेज के हो चुके हैं, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवाई है या फिर नहीं। भाई अगर नहीं करवाई ना तो परचेज करते ही तुरंत आप लोग सबसे पहला काम तो ये करें कि पपीज की वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दें एंड साथ में डिफॉर्मिंग का भी आप लोग पूछ लें कि उन्होंने लास्ट टाइम कब की थी, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है। अगर पपीज को थोड़ी सी भी दिक्कत होगी ना, जिस एक्सपेक्टेशन से आप लोगों ने पपीज परचेज किए थे ना, तो उस पे ये खड़े नहीं उतर पाएंगे। इनकी ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल पपीज काफी एनर्जेटिक है और क्वालिटी में आप लोगों को कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना पड़ेगा और ये चीज आप लोग इनके पेरेंट्स को देखकर जज भी कर पाओगे। वैसे फादर तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही दिखा चुका हूँ। वैसे इस ब्रीड में सबसे मजेदार बात पता है क्या भाई, इनमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इनके साइज को लेकर, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इन्हें परचेज कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग छोटे डॉग्स को चाहते हैं और काफी मस्कुलर डॉग को, तो वो पॉकेट या लो पॉकेट या फिर माइक्रो को परचेज कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें लार्ज साइज में चाहिए तो उनके लिए एक्सेल और डबल एक्सेल भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो पपीज है ना ये पॉकेट साइज में, लेकिन गाइस ये आप लोगों की पॉकेट में नहीं आने वाले। वैसे गाइस कोई भी डॉग ब्रीड ऐसी क्वालिटी में परचेज करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर सकते हो ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ गाइस फादर तो आप लोग देख ही रहे जो कि बहुत शानदार क्वालिटी में है और भाई ये ओड आइज में है, इसी वजह से पपीज जो है ना वो कुछ ओड आइज में होते हैं, लेकिन मदर जो है ना वो ओनर ने लाइव जाके देखी थी, तो उसकी फोटो वीडियोस आप लोगों को शायद व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। और गाइस अमेरिकन बुली को देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं कि भाई कहीं चीरफाड़ ना कर दे, क्योंकि भाई इनका फेस होता ही इतना बड़ा है, लेकिन जो एक्चुअल में अगर इनके टेम्परामेंट को देखोगे ना तो ये काफी फ्रेंडली होते हैं अपनी फैमिलीज के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी, तो आप लोग इन्हें ऐसे फैमिली डॉग भी कंसीडर करें। लेकिन हाँ अगर आप लोग इन्हें अच्छे से ट्रेन करोगे तो अच्छे गार्ड डॉग भी बन सकते हैं। वैसे एज तो मैं आप लोगों को इन पपीज की ओडी बता ही चुका हूं। अगर बात करें लोकेशन के बारे में तो ओनर की जो लोकेशन है वो है जीबी नगर नोएडा से। आप लोग डायरेक्ट जाकर ही पपीज को परचेज कर पाओगे क्योंकि डिलीवरी का ऑप्शन यहां पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो भाई ओड आइज में जो अमेरिकन बुलीज या पिटबुल होते हैं प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो अगर आप लोग ओड आइज मेल को परचेज करना चाहते हो तो उसका जो प्राइस है वो है 17,000 पीस यानी 17,000 रुपए एंड जो फीमेल है इसका जो प्राइस है वो है 13,000 पीस यानी 13,000 रुपए। लेकिन अगर आप लोग दोनों को एक साथ परचेज करोगे तो उसमें आप लोग को कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बाकी इस प्राइस में भी आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जरूर जाएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।